हिमाचल के लिए 200 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी बेलचा चलाने को मजबूर है। 8 बार नेशनल खेल चुके एथलीट और एनआईएस पटियाला कोच अनूप सिंह राणा कोरोना काल में दिहाड़ी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दे पाई है। कोरोना संकट के दौरान अनूप राणा घर पर ही रहकर परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। वहीं अनूप राणा की पत्नी भी खो खो में इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल विजेता के साथ बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी रही हैं। दोनों पति पत्नी की सरकार के द्वारा जमकर अनदेखी होने पर अब दोनों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में गहरा रोष बना हुआ है। अनूप राणा ने सरकार से मांग की है कि ग्रास रूट पर मेहनत करके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए और खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा मान सम्मान के साथ नौकरी दी जानी चाहिए। मुख्य अचीवमेंट्स के मेरे लगभग 10-11 साल जो एथलेटिक्स के बीच में पार्टिसिपेट करता रहा, अभी इन बिटवीन जो हमको 70 के लगभग मेडल हैं मेरे, और 7-8 बार जो नेशनल पार्टिसिपेशन है उसमें से कुछ एक दो सर्टिफिकेट तो मैंने अपने नेशन के दिए, जब इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। मैं बीच में फिर वही चक्कर रहा, अभी कई जगह के ऊपर जैसे अब जॉब की जब भी बात आई भी तो हमारे से जो मतलब काफ़ी कहीं ही टूट आउट हो जाता थे, वो बंदों को नौकरियां मिल गई स्टेट की, इसमें हम लोगों को जैसे मेरे लगातार 3-4 साल जो मैं लगातार फास्टेस्ट मैन ऑफ स्टेट रहा हूँ, और इन बिटवीन में फास्ट बेस्ट एथलीट भी रहा। मेरा 200 मीटर का रिकॉर्ड जो 2004 में बनाया था वो आज तक स्टिल अलाइव है। 100 मीटर का भी उसी टाइम बनाया था, बट वो मेरा एक मेरे स्टूडेंट है संदीप कुमार, उसने हिमाचल ओलंपिक हुए थे पीछे 2017 में, तो उस टाइम उसने यहाँ पे तोड़ा था सिंथेटिक ट्रैक पे। उसने मेरा 10:90 का रिकॉर्ड था, तो उसने 10:46 का रेस लगा के तोड़ा था भी। इस बारे में तो विभाग वाले बता पाएंगे भी। मैंने 2006 में स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई कर दिया था भी, बट उसके बाद आए दिन तक कभी कोई लेटर नहीं आया, कभी कोई फॉर्म नहीं आया। चल मैं मेरी वाइफ भी जो है मेरी ही रेलिवेंट फील्ड की हैं, वो NIS हैं खो खो में, और वो नेशनल मेडलिस्ट हैं भी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की सिल्वर मेडलिस्ट हैं भी, और बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी रही हैं नेशनल टूर्नामेंट के बीच में, बेस्ट ऑलराउंडर। तो हम लोग तो चलो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पर वो तो मेडलिस्ट होने के नाते भी उसको आज दिन तक कोई ना तो कॉल, मतलब उसकी भी अनदेखी हुई है अभी पूरी तरह से। सरकार से क्या रहेगी आपकी डिमांड, क्या मांग करते हैं सरकार से? यही एक गुजारिश है कि भाई एटलीस्ट जो अच्छे लेवल के ऊपर जो प्लेयर एक पार्टिसिपेट करता है, अभी नेशनल पार्टिसिपेशन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है एथलेटिक्स या किसी भी फील्ड के बीच में। तो मेरा तो ये रहेगा गुजारिश पे, जो भी बंदा जो ग्रास रूट लेवल से उठ के वहाँ तक नेशनल लेवल तक पहुँच गया, वो एक अच्छे कैलिबर का वो प्लेयर होता है अभी, और किसी भी प्लेयर की जो इतनी बेकदरी नहीं होनी चाहिए अभी। अनूप राणा ने कहा कि वर्ष 2006 में खेल विभाग में खेल आरक्षण कोटे में पंजीकरण करवाया था, 14 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं जिन्होंने जिला स्तरीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने के उपरांत मात्र 42 दिन का प्रशिक्षण लिया था, जबकि मुझे जमकर नजरअंदाज किया गया है। कोरोना काल के दौरान कई प्रशिक्षकों को ऑनलाइन टिप्स भी अनूप राणा के द्वारा दिया जा रहा है ताकि खिलाड़ी अपनी फिटनेस को बनाए रखें। अनूप राणा ने बताया कि वर्ष 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एज ए वॉलंटियर के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं, और इस दौरान विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ काफी कुछ सीखने को मिला है जिसे वह अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अनूप राणा अब तक DAV हमीरपुर, IIT मंडी और पंजाब के निजी विश्वविद्यालय में बतौर खेल प्रशिक्षक सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं।
250 के करीब खिलाड़ी देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। सुबह शाम समय निकालकर आज भी अनूप सिंह राणा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में पहले तो बिल्कुल ही वो था भी निकल इधर उधर जा नहीं सकते थे कहीं, उस टाइम तो फिर घर में ही रहना पड़ा, तो घर में थोड़ा बहुत जो अपना काम था भी, क्योंकि अपने आप को कहीं कहीं तो फिट करके रखना है भी, और बाकी जो मेरे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इन टच में रहे भी, उनको टाइम टू टाइम जो था भी उनको फ़ोन के ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह देते रहे कि अपने आप को कैसे रखें, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बिजी रखो, फिट रखो भी, और विद इन होम ही जो एक्सरसाइज हो सकती थी हम वो करवाते रहे उनको। दिल्ली कॉमनवेल्थ में एज ए वॉलंटियर टाइप ही गए थे हम वहाँ पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा था भी, क्योंकि एक तो मीट के बीच में हम लोगों ने काफ़ी सीखने को भी मिला, इंटरनेशनल एथलीट के साथ भी बातचीत हुई भी, तो उनकी जो प्रैक्टिस का जो फॉर्मुलेशन था भी क्या उस चीज वो चीज़ें हम लोगों ने भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की अपनी प्रैक्टिस में की हैं अभी।